आप देख रहे हैं फ्रेंड्स कितनी अच्छी फ्रूटिंग हुई है सितंबर के मंथ में, और इसने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है सभी प्लांट्स ने। तो मैं आज फील्ड में आई हुई थी तो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ इसको शेयर करूं। और जो ये लेमन जाति के हैं हमारे यहाँ काफ़ी लगे हुए हैं, क्योंकि हमारी जो सॉयल है हमारे यहाँ थोड़ी सी एसिडिक सॉयल है, तो इस वजह से ये फ्रूटिंग भी बहुत टाइम से पहले दे देते हैं और अच्छा रिजल्ट देते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पे हमारे यहाँ बेर, जो बड़ा बेर होता है वो लगा हुआ है, और जो खाने में भी स्वादिष्ट होता है और बहुत ही गुणकारी होता है। इसका देख रहे हैं आप बहुत ज़्यादा बूर आया हुआ है, बूर का मतलब ये है कि इसमें यही फल बन जाएगा। और हमारे यहाँ काफ़ी बेर के वृक्ष लगे हुए हैं खेत में, वो मैं आपको सारा लुक दिखा रही हूँ। फ्रेंड्स आज मैं आपको ये मौसमी, जो बारहमासी मौसमी हमारे फील्ड में लगी हुई है, उसकी मैं कटिंग लेके आई थी। उसकी कटिंग को मैं आपके साथ ग्रो करूँगी, और ग्रो करने के बाद इसकी अपडेट भी आपको दूंगी। उसके लिए मैं ये रूटिंग हार्मोन यूज़ करूँगी, ये रूटिंग हार्मोन और हनी, इन दो चीज़ों का मैं यूज़ करूँगी। और उसके बाद हम देखेंगे कि ये हमारी कब ग्रोथ होती है, उसका भी मैं आपको रिजल्ट आपके साथ शेयर करूंगी। तो अब हम लगाते हैं अपनी मौसम्बी की कटिंग। व्यूवर्स आप हमेशा कटिंग जो है वो 8 या 9 इंच के करीब लें, क्योंकि जो कटिंग है वो 2-2.5 इंच के करीब हम मिट्टी में लगा देते हैं। तो आप ये देखेंगी हमारी जो ये हथेली है उससे थोड़ी सी बड़ी आप कटिंग ले लें, और उसको ऊपर से आप समतल काट लें और नीचे आप 45 डिग्री के एंगल से काटें। जो हमने कटिंग ली है फ्रेंड्स उसकी आप एक्स्ट्रा लीव्स उतार दें, एक्स्ट्रा कटिंग, और यहीं से हमारी जड़ फूट। और ये जो नोड एरिया है, ये नोड एरिया आप इसका ध्यान जरूर रखें, इस नोड एरिया से ही हमारी जो रूट है वो बनती है। और इसको आप 45 डिग्री के एंगल से अब अगर आप काटेंगे तो आप देखेंगे कि उसने बहुत जल्दी अपना भोजन और पानी वो मिट्टी से लेना शुरू। आप सारी कटिंग पे रूटिंग हार्मोन लगा लें, और ऊपर वाली साइड भी आप इसको कवर कर दें नेल पॉलिश से, वैक्स या किसी भी मोम से, किसी भी चीज़ से, ताकि हमारी ये कटिंग का मॉइस्चराइज ना उड़े। और इस तरह करने के बाद आप एक टूल ले लें, टूल की सहायता से उसे सुराख कर लें आप अपने ये सोयल में, और सोयल को आप बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रखें, और कटिंग को आप जितना हो सकता है उतना अच्छी तरह से दबा दें। मैं ज़्यादा से ज़्यादा कटिंग लगाऊंगी, ताकि हमारी अगर कुछ नई सक्सेस होती हैं तो एक दो चल जाएंगी। हेलो फ्रेंड्स, ये नींबू पे ये कीड़ा जरूर मिलेगा आपको, इसके लिए आप कोई भी स्प्रे कर दें, नीम ऑयल की या लहसुन प्याज, तो आप देखेंगे कि इस कीड़े की मार कम पड़ेगी। वैसे ये कीड़ा हमारे यहाँ प्लांट्स की पत्तियों को खा जाता है, जिससे ग्रोथ होनी शुरू ख़त्म हो जाती है प्लांट्स की। और आज मैं आपको फ्रेंड ये बताऊंगी कि हमारे नींबू पे अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है, अगर हो रही है तो पत्ते इसके फूल झड़ जाते हैं, तो आप देखेंगे कि उसके लिए हम क्या ऐसा ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दें, ताकि ये हमारे नींबू पे है जो ये फ्लावरिंग होनी शुरू हो जाए। मेरे यहाँ देख रहे हैं बहुत अच्छी फ्लावरिंग हुई है, और यही वजह है कि इसमें फ्रूटिंग भी बहुत अच्छी हुई है।
क्योंकि मैं टाइम टू टाइम इन पे ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देखती रहती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मैं ऐसा कौन सा फर्टिलाइज़र देती हूँ जो कि हमारी नींबू की जो जाति के फ्रूट्स हैं वो हमारे बहुत अच्छे हों। इसके लिए मैंने जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दिया है वो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये है, ये मस्टर्ड केक, सरसों की खली। इसको आप अगर अलग से देना चाहें, एक मैंने पहले भी आपको बताया था कि जो प्लांट हमारे जड़ मूल बन जाते हैं, जड़ मूल का भाव ये है कि उन पे 6-7 साल या 10 साल से कुछ भी फ्रूट नहीं लगा तो वो जड़ मूल बन जाते हैं। उनको अगर आप मस्टर्ड केक और ये पुराना गुड़ भिगो के आप उसका फर्टिलाइज़र देते हैं तो आप देखेंगे कि आपके 6 मंथ के अंदर अंदर ही उसने फ्लावरिंग और फ्रूटिंग करनी शुरू कर देता है। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और ये मैं आप भिगो के इन प्लांट्स पे भी दूंगी। ये काउडंक और वर्मी कंपोस्ट और मस्टर्ड केक, इन तीनों का मैं मिक्स करके ये खाद दूंगी जो कि हमारे प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको आप ऐसे करें कि 2-2 इंच की आप मिट्टी निकाल दें। ये 2 इंच की मिट्टी हमने निकाल दी है और अब मैं इसमें फर्टिलाइज़र दूंगी और साथ में मैं इस मस्टर्ड केक को और पुराने गुड़ को भिगो के रखूंगी तकरीबन 2 दिन के लिए, और उसके बाद मैं इन प्लांट्स में और जो हमारे फील्ड में लगे हुए हैं उनमें हम ये खाद दे देंगे। ये वर्मी कंपोस्ट और काउ डंग बिल्कुल डीकंपोस्ट हो चुका है, इसको आप अच्छी तरह से जमा के दे दें और ऊपर से ये वाली मिट्टी डाल देंगे हम। जो हमने मिट्टी निकाली है वो मिट्टी हम डाल देंगे और आज हम वाटरिंग थोड़ी सी कम करेंगे, कल को हम पूरी जमा के इसको पानी से भर देंगे ताकि जो हमारे ये फर्टिलाइज़र है वो हमारी रूट्स के पास पहुँचे प्लांट्स की। और उसके बाद आप देखेंगे कि इसने बहुत अच्छी फ्रूटिंग और फ्लावरिंग शुरू कर देगा हमारा नींबू का प्लांट। आप ये सारी जो क्रिया कर रहे हैं आप ये शाम के समय करें ताकि सारी रात में हमारे ये जो वाटर है पानी है वो अब्जॉर्ब हो जाए और रूट्स के पास पहुंच जाए हमारी ये फर्टिलाइज़र। और 2 दिन के बाद हम इसको जो हमारी खली वाला पानी है, खली वाला जो गुड़ और खली भिगोई है वो हम डालेंगे इसको प्लांट्स में, नींबू के प्लांट्स में। मेरी वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, और किसी और वीडियो के साथ कोई अच्छे टॉपिक के साथ मैं फिर आऊँगी। तब तक के लिए थैंक्स। फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक चीज़ और अपने खेत की दिखाना चाहूँगी। फील्ड में हमारे यहाँ पपीते के कई वृक्ष पेड़ लगे हुए हैं तो उनकी भी बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत पुराने वृक्ष लगे हुए हैं, कई कई साल पुराने हैं। इनकी आप देख रहे हैं बहुत अच्छी फ्रूटिंग हुई है, ऊपर तक बहुत अच्छा फूल भी बहुत अच्छे लगे हुए हैं, फूल के बाद ये फ्रूट बन जाएगा। और ये बहुत पुराने
वृक्ष हैं और इनकी फ्रूटिंग अब शुरू है। और ये मैं आपको अपने व्यूवर्स के साथ मैं शेयर कर रही हूँ।